हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिकेट बायो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपका बैटिंग स्टांस कैसे होना चाहिए टेनिस क्रिकेट में। तो ये बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक था, मुझे इंस्टा पे काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। तो मैं इस टॉपिक पे इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि टेनिस क्रिकेट इंडिया में बहुत खेला जाता है और टेनिस क्रिकेट में आपके पास टाइम बहुत कम होता है और कम टाइम में आपके पास ओवर्स बहुत ही लिमिटेड होते हैं और उस लिमिटेड ओवर्स में आपको बहुत ही बड़े बड़े स्कोर्स बनाने पड़ते हैं। तो उसके लिए आपका स्टांस परफेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा सही तरीका स्टांस लेने का टेनिस क्रिकेट में। तो चलिए हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू कर दें। तो टेनिस क्रिकेट में स्टांस लेते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपको लेदर बॉल वाला स्टांस नहीं लेना है। आपको लेदर बॉल वाला स्टांस बिल्कुल ऐसे रहता है, आपको ये स्टांस नहीं लेना है। आपको ये स्टांस इसलिए नहीं लेना है क्योंकि टेनिस क्रिकेट में हम क्लासी शॉट्स बहुत कम खेलते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको इस लेदर बॉल वाले स्टांस को थोड़ा मॉडिफाई करना है। तो उसके लिए आपको आपका ये जो पैर है इसे आपको खोल देना है, बिल्कुल इस तरीके से। आपको बिल्कुल इस तरीके से ऐसे ऐसे खड़े हो जाना है। तो यही सेम स्टांस ग्रैंड मैक्सवेल सर का भी है। तो ये स्टांस लेने का फ़ायदा ये है कि आप ग्राउंड के चारों तरफ शॉट आसानी से मार सकते हो। अगर बॉल ऑफ साइड पे तो मैं थोड़ा पैरों को अपने एडजस्ट करके ऑफ साइड पे भी शॉट मार सकता हूँ। अगर बॉल लेग साइड पे तो लेग साइड पे मेरा बहुत ही अच्छा रेंज बनता है पावरफुल शॉट्स मारने का। तो बॉलर आपको कहीं भी बॉल डाले, इस वाले स्टांस से आप कोई भी शॉट्स आराम से खेल लोगे। तो सेकेंड टिप है हमारी लेग मूवमेंट। अगर आप एक बैट्समैन हो तो आपके पैरों में बैटिंग करते वक्त हलचल होनी चाहिए। तो मूवमेंट कैसा होना चाहिए, बैटिंग करते वक्त आपको बिल्कुल ऐसा मूवमेंट करना है। तो ये करने से बॉलर भी कंफ्यूज रहेगा कि आपको बॉल कहाँ डाले, वो कंफ्यूज रहेगा। अगर आप सीधे खड़े हो जाओगे, आपके पैरों में कोई मूवमेंट नहीं रहेगा तो सीधा आपके पैरों पर मारेगा और आपको बोल्ड कर देगा। तो बैटिंग करते वक्त आपके पैरों में हलचल होना बहुत ही ज़रूरी है और आपको ये मूवमेंट बॉलर के बॉल फेंकने से पहले ही कर देना है। अगर आप फेंकने के बाद ये मूवमेंट करोगे तो आप शॉट खेलने के लिए लेट हो जाओगे और आप शॉट नहीं मार पाओगे। और लेग मूवमेंट करने का आप ये भी फ़ायदा है कि आप बॉडी वेट भी बहुत ईजिली ट्रांसफ़र कर लोगे। तो इससे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ। तो हमारी थर्ड टिप है स्टिल हेड। तो बैटिंग करते वक्त आपका ये जो हेड है इसको एकदम स्टिल रखो, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें कोई मूवमेंट हुई तो आप बॉल की लाइन और लेंथ जज नहीं कर पाओगे। इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं रहेगी तो आप बॉल की लाइन और लेंथ काफ़ी इजीली जज कर लोगे। तो अगर आपका बैटिंग करते वक्त सर गिर रहा है तो इससे आपका शॉट खेलते टाइम आपका बैलेंस नहीं रहेगा और बॉल को आप मिस कर दोगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए, इसे ठीक करने के लिए मैंने हमारी पुरानी वीडियोस में भी एक ड्रिल्स बताई है। उस ड्रिल्स में आपको करना क्या है, आपको अपनी टी शर्ट को कॉलर में दांतों से दबा लेना है और फिर आपको सारे शॉट्स खेलने हैं। तो इससे होगा क्या, इससे आपकी सिर जो हेडफॉल की जो दिक्कत थी वो सॉल्व हो जाएगी और वो तुरंत नहीं होगी, आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो हमारी फोर्थ टिप है टैप ऑन अ ग्राउंड। आपने काफ़ी सारे बैट्समैन को देखा होगा टेनिस क्रिकेट में ऐसे ग्राउंड पर टैप करते रहते हैं, इसका मतलब ये भी होता है कि वो खेलने के लिए रेडी है। और मैंने काफ़ी सारे बैट्समैन को देखा है कि वो बॉलर के बॉल फेंकने के बाद भी वो ऐसे ग्राउंड पे टैप करते रहते हैं। तो इससे उनको दिक्कत क्या होती है कि वो शॉट मिस कर जाते हैं, उनके पास उतना टाइम नहीं रहता है। तो आपको करना क्या है, आपको ध्यान बस इतना ही देना है कि बॉलर के जंप लेने से पहले आपको ये टैप करना बंद कर देना है और आपको अपनी हाई बैकलिफ्ट के साथ खड़े हो जाना है और फिर आपको वो शॉट्स खेलने हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, इससे आपकी बैटिंग में काफ़ी अच्छा इंपैक्ट आएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कीजिए, ये हमारा यूज़र नेम cricketbio1। और अगर आपका कोई सजेशन है नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊँ तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।